Welcome back to yet another episode of the TVS Apache RTR 180 restoration series, guys. So आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ इसकी चेन को रिस्टोर करने का. आई डोंट नो कि हो भी पाती है कि नहीं. एंड अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि चेन की हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक है क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा जंग लगा हुआ है एंड इट्स करोडेड लाइक शिट. बट देखते हैं चेन स्प्रे के साथ वो हो भी पाती है रिस्टोर की नहीं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम से कोई लुब्रिकेंट नहीं लगा. सो गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ ये बिजली ब्रांड का चेन लुब्रिकेंट. आई होप दिस थिंग इज़ गुड क्योंकि जिससे एक्चुअली मैं अपाचे का सामान लेकर आया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर रहने वाले हैं. सो उस वाले वीडियो को आप चेकआउट करना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा ये मैं किससे लेके आया हूँ एंड कितने का लेके आया हूँ. शायद ये भी पता चल जाए, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है इसका प्राइस. सो मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, जो हमारी चेन है उसके ऊपर पहले एक दिन स्प्रे करूंगा. जैसे डे वन आज है, आज स्प्रे करेंगे, देन फिर सेकंड डे पे देखते हैं, देन थर्ड डे पे देखते हैं. अगर ये तीन चार दिन के अंदर एकदम फिट हो गई तो ये सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा. ज़्यादा लंबा वीडियो होने नहीं वाला बट सारी डिटेल इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी इसकी. सो एक काम करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स सी कि इसके बस में कुछ है भी कि नहीं बिजली. बिफोर लुब्रिकेशन प्रोसेस गाइस, इस चेन की हालत देखो, ये है बहुत ही ज़्यादा लूज. एंड गाइस ये जो आप अभी फुटेज देख रहे हो ये है फर्स्ट डे की, जब कार्बोरेटर एंड पेट्रोल टैंक को क्लीन अप करवाया था मैंने. सो ये एक और काम मैंने उन्हीं मैकेनिक से करवाया था. एंड स्विंग आर्म को यहाँ पे टाइट किया जा रहा है क्योंकि बिना उसके चेन टाइट नहीं होने वाली. सो काफ़ी टीडियस प्रोसेस है एक्चुअली. यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से स्विंग आर्म आगे या पीछे होता है. सो उसके वजह से ही हमारी चेन एकदम बढ़िया तरीके से जितनी हमें लेवल पर चाहिए टाइट या लूज़, कईयों की जैसी प्रेफरेंस होती है वैसी हो जाएगी. एंड अब ये गाइस ऑलमोस्ट टाइट हो चुकी है. यहाँ पे आप देख ही रहे हो काफ़ी ज़्यादा. स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, इट वॉज सुपर सुपर लूज. सो अब ये वापस से टायर को टाइट किया जा रहा है जस्ट फॉर दिस पर्पस. एंड इसके बाद मैं आपको लुब्रिकेशन का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि क्या किया था. सो टायर हैज़ बिन टाइटेड जस्ट लाइक दिस. ये कम्प्लीट हो गया काम. सो ये है गाइज अपना बिजली चेन लुब्रिकेंट. सिंथेटिक है ये, आई डोंट नो इसमें कुछ डिफरेंस होता भी है सिंथेटिक या उसका नॉर्मल का. सो सबसे पहले बाइक को हमें लगाना है गाइस डबल स्टैंड पे एंड इसको स्टार्ट भी करना है. स्टार्ट इसलिए करना है कि आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. अब स्टार्ट मैंने कर दी बाइक, डबल स्टैंड पे बाइक है एंड अब इसको अगर फर्स्ट गियर पे हम डाल देंगे तो ये टायर जो है पीछे का ये घूमने लग जाएगा जस्ट लाइक दिस. सो चेन यहाँ पे घूम रही है. सो बस अब इस चेन को देखना है, इसके ऊपर पॉइंट करना है एंड स्प्रेइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है इस बिजली का. सो जस्ट लाइक दैट गाइस, काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्चुअली स्प्रे किया था. वैसे मैंने इसको पहले चेक कर लिया था, क्या है बड़ा थिक सा काइंड ऑफ लिक्विड इसके अंदर से निकल रहा था जैसा आप देख ही रहे हो. सो ये पूरा बस सीधा सिंपली स्प्रे करना है एंड ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा. बट जब मैं इसे स्प्रे कर रहा था इसके अंदर, ये एक्चुअली स्पीड अप मैंने जानबूझ के किया कर रहा था, मुझे साइड में भी करना पड़ा, देन दूसरी साइड के लिए भी मुझे काफ़ी दिक्कत थी देखी क्योंकि वहाँ पर हाथ ही नहीं जा सकता था. इस साइड करना तो रिलेटिवली ईजी था. सो जस्ट लाइक दैट ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे स्प्रेइंग के काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था. सो अब ये बीच में आप देख रहे हो ये कुछ धागे धागे से आ रहे हैं. सो ये काफ़ी मतलब ये चिपचिपा काइंड ऑफ लिक्विड है. अभी देखो ज़रा. मैं एक्चुअली थोड़ा सा हो गया था कि इस जो थ्रॉटल इनपुट के बिना ये टायर चल रहा था, लेकिन आफ्टर स्प्रेइंग ये थोड़ा सा कम हो गया था. अब यहाँ पे देखो आपको धागे धागे से दिख रहे होंगे. सो लेकिन बाद में इसे रिकवर कर लिया था. सो पावर लग रही थी इसका, मतलब कुछ खिंचाव सा था इसके अंदर. सो चीज़ अच्छी है. एंड अब यहाँ पे भी अंदर वाली साइड पे भी कराया मैंने. सो काफ़ी थिक ये लिक्विड था. आई डोंट नो कि इतना थिक होना चाहिए या नहीं, बट एक्चुअली आई एम सैटिस्फाइड विद इट. वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये वीडियो रहने वाला है मेरा एक वीक लंबा. मैंने एक वीक तक इसको टेस्ट आउट किया है तभी आपके लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो काफ़ी हद तक यहाँ पर काम आपको होता हुआ दिख गया होगा. अब दूसरी साइड के लिए भी करना है. मैंने इसको जानबूझ के थ्रॉटल मार मार के इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाई थी जिससे कि अच्छी तरह से ये चेन लुब्रिकेंट हो जाए, स्प्रॉकेट्स दोनों के दोनों लुब्रिकेंट हो जाए. बट कुछ जगह पे आप अभी भी रेड रेड मार्क्स देख रहे होंगे. सो वो सारा करोजन है. सो दूसरी साइड से भी इसको भगाया मैंने फुल फुल स्पीड पर. काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था खड़ी गाड़ी में चलाना, मतलब बर्नआउट मारना तो सब बाइक में वैसी बड़ा ईजी है. सो अब ये दूसरी वाली जो साइड है इसके लिए ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मैंने जानबूझ के रेस इसलिए दी थी कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वहाँ पे फ्लो कर जाए, बट नहीं किया. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न मैंने कुछ इस तरह से पाइप को यूज़ किया साइड वाली जगह के लिए, बट वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो यही गाइस मैंने इंटायर प्रोसेस किया, एक बार ही किया है ये अभी तक. उसके बाद एक्चुअल में मुझे नीड नहीं लगी. अब मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा सा बाइक को मैंने राइड किया यहाँ पे एंड राइडिंग के बाद गाइस थोड़ा सा अब ये देखो चेन कवर के टॉप पे
ये आई डोंट नो कि क्या है, गंध है, करोजन है, क्या है, बस ये ऊपर आ गया। सो अब देखते हैं 2 दिन बाद। सो दिस इज थर्ड डे गाइज, एंड चेक आउट द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ द चेन। एंड पता नहीं क्या कचरा सा यहाँ पे चेन ने फेंक भी दिया है ऊपर। सो ऑयल इज सेपरेट, आप देख सकते हो। एंड आई थिंक ये जो जंग का मटेरियल था वो सब। एंड तीसरे दिन में भी गाइज ये बिल्कुल लुब्रिकेटेड है, विच इज़ नाइस एक्चुअली। एंड यहाँ से आप नीचे भी देख सकते हो, सो बढ़िया है। सो मैं इसको 5 दिन तक देखता हूँ, अगर 5वें दिन भी नीड नहीं पड़ी चेन स्प्रे की तो हमारी चेन मुझे लगता है कि रिकवर कर जाएगी। अगर वापस से इस पर कोई जंग वंग लगा हुआ दिखा 5th डे पे, तब शायद इस चेन की बैंड बच जाएगी एंड फिर से हमें रिस्प्रे करना पड़ेगा। बट अभी की कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप भी बताना मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन। तो चलो 5th डे का वेट करते हैं। यहाँ पे 5th डे इट इज़ गाइज, एंड थोड़ा सा बस यहाँ पे फैल गया और ज़्यादा। एंड चेन की कंडीशन क्वालिटी आप देख रहे हो, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द डे वन। 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे इसको, एंड स्प्रॉकेट भी पहले से ज़्यादा क्लियर लग रहा है। पहले तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को यही एंड करूँगा, बट अब मैं करूँगा गाइस इसको 7th डे पे एंड। सो 7वें दिन मिलते हैं। गाइस तो चेन तो रिकवर कर गई, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात से। एंड 1 हफ्ता हो चुका है आज इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करे हुए मुझे। सो 1 हफ्ते के बाद भी ये चेन एग्जैक्टली द सेम है जैसे कि ये डे वन पे थी। एंड सारा जो जंग वंग का कचरा है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जो चेन कवर है, हाफ चेन कवर है, इसके ऊपर आ चुका है। बाइक चल रही होगी तो चेन ने प्रेशर मारा होगा, तो सारा कचरा वहाँ पर आ गया। एंड आई एम प्रीटी सुपर सैटिस्फाइड एक्चुअली, सुपर सैटिस्फाइड विद दिस बिजली चेन स्प्रे अंदर ही रखा है। सो आप देख ही रहे हो यार, चेन तो बढ़िया हो गई है एकदम, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। आपको चेन स्प्रे चाहिए होगा तो आई हाईली रिकमेंड दिस बिजली ब्रांड का। सो चेन एकदम टाइट हो गई, अब छन छन फन छन की आवाज़ नहीं आती। मैंने 2 जने बैठ के भी चाह चुके हैं, ट्रिपलिंग नहीं मतलब एक मैं और एक मम्मी थी साथ में, सो वो चला के देख लिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, कोई छन छन फन छन कुछ नहीं हो रहा, अब बड़े स्मूथली चल रही है बाइक। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो गाइस यह दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड एक और चीज़ कंप्लीट हो चुकी है अपाचे आरटीआर रेस्टोरेशन सीरीज़ के अंदर। एंड अभी कुछ चीज़ें अभी एक्चुअली बॉडी वॉडी बड़ी सारी चीज़ें बाकी हैं इसकी। सो नेक्स्ट अप शायद स्टार्टर मे बी, या मैंने पिछले एपिसोड में भी यही बोला था कि स्टार्टर के लिए एक्चुअली एक जगह जाना पड़ेगा, तो दैट इज वाई इट्स क्वाइट गेटिंग डिलेड क्वाइट अ बिट। सो अब मेरे ख्याल से उसी का नंबर है, क्योंकि सारी मोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी एंड उसके बाद फिर बॉडी के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि टैंक को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा, टेल को भी, तो खुद ही करेंगे और सारे प्लास्टिक पार्ट्स चेंज हो जाएंगे। सो या गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू गाइस लाइकिंग द अपाचे रेस्टोरेशन वीडियो सीरीज। सो या अब मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय, टेक केयर, सी या। एंड गाइस अगर नए हो, कुछ भी पसंद आ रहा है मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना, खाली बाइक अपाचे नहीं होती, ये पुंटो नाम की गाड़ी भी होती है, इसके पीछे नैनो नाम की गाड़ी है वो भी है, एंड इसके अलावा ऑडियो रिलेटेड स्टफ भी है, कारण होम ऑडियो का प्लस हल्का फुल्का ट्रैवल भी है, सो चलता रहता है क्या क्या हो रहा है अराउंड मी। सो मिलते हैं अब इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।